ਕਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਪੁਰਾ ਵੀ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਟਿਕਟ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ जो मर्जी करी जाने असं कही भी हाँ जी जी हजूरी है जो मर्जी तुम जी करता जी सत बचन तो करजे तक गल की मैं कल कर दें कोई ऐसी गल नहीं हुई किसान का करजा जे सरकार कितों माफ कर ली उन्होंने गल ही नहीं कही मेरा मनना है भी सबसिडियां सिर्फ गरीबों वास्ते होनी चाहिए अकाली दल से बड़े बड़े आरोप लगते हैं भी जत्थेदारा तक सघन स्कीम ले गए नीले कार्ड बना गए कणक फ्री की घर जाती है बड़ा कुछ हों अंदर खाते उन्होंने एक गल है सिर्फ लोगों वास्ते वाडर हुए ने परमिंदर सिंह ढींड साहब बोलते हैं सुखदेव सिंह ढींड साहब बोलते हैं पर यह गल उठती है भी उदों क्यों नहीं हुण क्यों जे उन्होंने ना छड़ दिता पंजाब लोगों ने वड़ नहीं देना उन्होंने सत श्री अकाल जी तुसी देख रहे हो आर एम बी टैलीविजन मैं रतनदीप सिंह तालीवाल पंजाब की जे सियासत की गल करते हैं पंजाब की सियासत के बहु रंग ने श्रोमणी अकाली दल बादल की एक पासे गल हुंदी आ दूसरे पासे गल हुंदी आ कांग्रेस की तीसरी पार्टी की असी गल करते हैं वह हैगी आम आदमी पार्टी पर जे श्रोमणी अकाली दल की जदों भी गल आउंदी आ पिछले सालों के दौरान 2017 के इलैक्शन तो बाद दो पार्टियां निकल दी आईयां एक पार्टी श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक एक पार्टी श्रोमणी अकाली दल टकसाली एक पिछले दिन खबर भी आई भी दोनों पार्टियां एक हो रही हैं तो विच दी एक खबर यह भी आउंदी आ पिछले महीने भी श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक दा रलेवा हो रहा गा आम आदमी पार्टी दे नाल 2022 ते नज़र आ सब दी करोना महामारी चल रही आ पर एक पासे पिछले 6 महीनों तो जे असी गल कर लिए किसानां दा अंदोलन चल रहा गा दिल्ली दीआं सड़कां ते किसान बैठे ने हल कुछ भी नहीं हो रहा पंजाब दी सियासत नूं किवें देखदे ने लोग पंजाब दी सियासत दे बारे की सोचदे ने लोग जे किसे नूं भी असी पिंडां दे विच जाके सवाल करदे आ ता सब दा ए कहना गा भी इस बार रबी राखा पंजाब दा अज पंजाब दी सियासत दे उत्ते चर्चा करांगे बड़े सारे सवाल ने उन्हां दे उत्ते चर्चा करांगे अज दी मुलाकात दे विच साडे नाल हाज़र रहनगे साबका खजाना मंत्री पंजाब ते मौजूदा MLA लहरा सरदार परमिंदर सिंह ढींडसा ढींडसा साहब स्वागत है सत श्री अकाल सत श्री अकाल जी रतनदीप जी ढींडसा साहब सब तो पहला सवाल तो यही रहूगा पंजाब दा बनूगा कि 2022 दे विच देखो रतन जी मैं समझदा ये कल्ले लोगों वास्ते नहीं मैं समझदा साडे सियासी आगुओं वास्ते भी एक बहुत वड्डा प्रश्न है जी क्योंकि जो पंजाब दे हालातों की तुसी गल करिए पंजाब दियाँ शुरू तो दो ही मुख धिरां रही श्रोमणी अकाली दल ते कांग्रेस जी ते पर मैं कह सकदा भी हुण लोकां दे विच जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल दे विच चेंजेस आउणी आ जी श्रोमणी अकाली दल दा सिधांतां तों परां हटना जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बेद भी चाहे किसानी संघर्ष ये श्रोमणी अकाली दल जो आपका रूप से वो बदल चुके हैं हुण सिर्फ बादल दल रह के रह गया हुण श्रोमणी अकाली दल नहीं रहा जी क्योंकि अकाली दल एक सोच ते विचारधारा सी जी सो दोनों चाहे कांग्रेस है चाहे बादल दल है इन्हां तों लोकां दा विश्वास उठ चुके हैं जी इस तरह पहला समझौता सी बादल दल दा BJP दा BJP हुण तीजी धिर बनी है उन्हां तों वी लोकां दा बिल्कुल कोई विश्वास नहीं है तुसीं हुण चोणां वी देखियां जी अज जिहड़ा UP दे वी रिजल्ट आए ने उत्थे वी जिहड़ी है साफ हो गई BJP सो देश व्यापी ही मैं समझदा जिहड़ियां हाकम धिरां ने उन्हां दे खिलाफ़ एक रोस है ते हुण पंजाब दी हालात मैं समझदा लोग उम्मीद लाई बैठे ने भी कोई भी इन्हां तिना पार्टियों तों बिना चौथी धिर जिहड़ी कोई चंगी उभर के आवे तां लोग उहनूं वोटां पाउण क्योंकि तिना विच मैं समझदा लोकां दा विश्वास नहीं रहा पर ये जिहड़ी जिवें मैं ये चौथी धिर दी गल कर रहा उहदे विच अज इक बड़ा
वे जड़े ने एक्स फैक्टर हजे मौजूद ने, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू की गल हो, चाहे किसानी संघर्ष की गल है, आम आदमी पार्टी है, साडिया पार्टियां है, होर कई आगू ने जड़े आपदिया जी वधिया हैसियत रखते हैं, चाहे बैंस भरा ने, चाहे गांधी धर्मवीर गांधी ने, चाहे सुखपाल सिंह कह रहे हैं। सो ये अज बड़ा एक भी मैं समझा क्लीयर नहीं है, पर एक गल मैं जरूर कह लोगों की भावना है कि कट्ठे होके जिहड़ा एक बदल दिता जाए इन्हां दे खिलाफ, बादल दल ते कांग्रेस ते बीजेपी दे खिलाफ। ढिंडसा साहब जदों भी लीडर स्टेज दे उत्ते बोलदे ने, चाहे वह तुसी हो, चाहे खहरा साहब हो, चाहे कोई भी होवे, वह कहिंदे ने पंजाब नूं बचाउणा गा, होण दी लड़ाई आ, पंजाब दे मसले बड़े गंभीर ने। पर जदों इक होण दी गल आउंदी आ उदों इह नहीं किते लगदा वी जिहड़े निजी हित आ उह भारू हो जांदे आ? देखो असीं तां पहले दिन तों ही जिन्ना तुसी मेरियां स्टेटमेंट्स भी पढ़ी होनी, असी चाहते हैं भी जिहड़ी भी कोई धिर बनती है उहदे विच असी तां जिवें कहिंदे ना बिना तनखाह तों काम करन वाली गल है जी, वह तैयार आ, सानू कोई अहुदे दी कोई सानू जिहड़ा है सियासी अहुदे दी कोई जिहड़ी लालच नहीं, असी ना ही साडी कोई डिमांड है, असी तां चाहुंदे भी सारे इकट्ठे होकर पंजाब दे भले लई काम करन, इह साडा निशाना है, ते असी उहदे वास्ते सारे नाल संपर्क भी करने हैं, साडे यतन भी जारी ने जी। जे श्रोमणी अकाली दल बादल की गल आउंदी आ, सुखबीर सिंह बादल बड़े एलीगेशन लाउंदे ने ढींडसा परिवार से, वह कहिंदे भी इन्हां नूं अहुदे भी दित्ते वड्डे, ढींडसा साहब की गल आउंदी आ, सोडी गल आउंदी आ, टिकटां भी उवें दित्तियां जिवें कहिंदे, जिथों कहिंदे सी उत्थों दिंदे सी टिकट, पर इन्हां ने साडी पिट्ठ 'च छुरा मारिया। देखो पिट्ठ 'च की, असीं शुरू तों श्रोमणी अकाली दल जुड़े हुए हां, कोई सिर्फ ढींडसा साहब नहीं, साडी मेरे बजुर्ग साढ़े दादा जी अकाली दल से, ढींडसा साहब आजाद जितते सी पहली बारी जी 1972 विच, आजाद जित के श्रोमणी अकाली दल में शामिल हुए सी, हालांकि उदों कांग्रेस की सरकार बनी सी जी, चार बार लगातार MLA बने, तो उस समय उन्होंने अकाली सियासत नूं दे भविख लई बादल साहब का साथ दिता जी, पर उसका मतलब ये नहीं भी जे तुसी किस दे नाल हो तां उह व्यक्ति जो मर्जी करी जावे तुसी गलत कामों के नाल भी खड़ोंगे। सो जे उन्होंने गलतियां कीतियां तो असी इस ढींडसा साहब ने महसूस किया कि ये गलत है, तो उन्होंने पार्टी के रह के गल्लां उन्होंने कही, बदलाव करने लई कहा, इतों तक कि सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं इस्तीफा देने लई कहा, वो तो सारिया गल्लां जब उन्होंने कोशिशां नाकाम हुईयां उस तो बाद जिहड़ा है उन्होंने आपदे अहुदिआं तों इस्तीफा दिता, उस तो बाद पार्टी के उन्होंने कढ दित्ता गया, मैनू कढ दित्ता गया, बाद दीआं गल्लां ने, पर कोई असी किसी के खरीदे हुए तो नहीं भी जो मर्जी करी जाए असी कही भी हाँ जी जी हजूरी है जो मर्जी तुसी जी करता जी सत बचन, गल तो सिद्धांतों की है, गल विचारधारा की है, तो असी जिहड़ा है अकाली हाँ अकाली रहांगे, पर असी ऐ किसी के जे कोई कहे भी सानू किसी ने खरीद लिया वो साडी सोच नहीं है। सो इस करके उन्होंने कहना भी तुसी देखते हो गए भी कहते हैं जी असी तो जिहड़ा है इन्हों आ दिता, असी पार्टी लिए काम किया ढींडसा साहब ने पूरी उम्र लाई है ताइयों उन्होंने कुछ पार्टी ने दिता है जी, कोई बिना वो तो नहीं किया, चार बारी वह लगातार MLA रहे ने, पांच बारी मैं MLA बनया गा जी, तो कहन हूँ जो मर्जी कही जान हो, चलो जब यह गल्लां होंदियां फिर जिहड़ा है दूषणबाजी भी सुभाविक है होंदी है, असी भी करते हैं वह भी करते हैं, पर लोग जड़े ने सच समझते हैं, तो लोग तो तत्थां के आधार पर जिहड़ा भविख में फैसला करेंगे जी। ढींडसा साहब पिछली सरकार वेले जो अकाली सरकार सी तुसी भी सीगे उस सरकार दे विच, गलतियां बड़ियां सारियां हुईयां, पर जिहड़ी सब तो वड्डी गलती एक हुई आ गुरु साहब की बेअदबी हुई, उस तो बाद गोलीकांड वापरिया कोटपुरा गोलीकांड बैरल कलां गोलीकांड, उदों क्यों नहीं आवाज़ चक्की गई? क्योंकि हुण भी यह जे आपां IT सैल की गल करते हैं सोशल मीडिया से भी यह ट्रेंड करता गा, परमिंदर सिंह ढींडसा बोलते हैं, सुखदेव सिंह ढींडसा बोलते हैं, पर यह गल उठती है भी उदों क्यों नहीं हुण क्यों? देखो गल यह है बंदा सब तो पहला की कोशिश होंदी है जी कि पार्टी दे विच असीं गल रखी है जी, तो की निशाना सी भी दोषियों नूं सज़ा मिले जी, पहले दिन तो ही कोई कल्ले असीं नहीं होर भी साडे पार्टी दे आगू सी जिहड़े कहिंदे सी भी इह बहुत वड्डी घिनौनी घटना हुई है, दोषियों नूं सख्त तो सख्त सज़ा मिलनी चाहिए है जी, तो सानू पार्टी दे विच यही विश्वास दवाया गया भी असी दोषियों की जिहड़ी है छेती पछाण कर ली है, तो असी कानून दे विच भी सोध करांगे, मौत की सज़ा का जिहड़ा असी प्रावधान बना रहे हैं
जी ते जेड़े दोषी ने उन्हां नूं उन्हां दे खिलाफ केस करके मौत की सज़ा फांसी की सज़ा दवावांगे जी। ये फिर उन्होंने कहा जी असीं सिट्टां पटातियां असीं करता। सो ये गल दुआरे दुआरे विश्वास दवाया गया जिवें कांग्रेस चार साल तो कर रही है, डेढ़ साल यही चलता रहा भी असीं जी कर लिया, असीं दोषी नूं छेती फड़ के सज़ा दे देनी है। सो साडी की निशाना, असीं तां सारी दुनिया यह चाहुंदी सी भी दोषियों नूं जिहड़ी है सज़ा मिलनी चाहीदी है। सिट बनी, कमिशन बनिया, सब नूं सिंघिया भी कुछ ना कुछ इहदे चों निकलेगा, पर कुछ नहीं निकलिया। उस तों बाद ढींसा साहब ने बाल साहब नूं कहा भी तुसीं इह अपनी सरकार दे विच होया, तुहानूं जा के अकाल तख्त साहब ते जिहड़ा है पेश होकर गलती मननी चाहीदी है। पर उन्होंने जिहड़ा है नहीं किया। फिर ढींसा साहब ने सुखबीर सिंह बादल नूं कहा भी तुसीं इस्तीफा दिओ, तुसीं प्रधान दे तौर पर सफल रहे हो। फिर उन्होंने जिहड़ा है वह गल्लां दे नाल समां उन्होंने वो गल जब चंगी माड़ियाँ लगियाँ, उस तो बाद जिहड़ा है उन्होंने जिहड़ा है जानबुझ के होर कट्टण की कोशिश की भी साढ़े खिलाफ किवें बोलते हैं, क्योंकि एक दो ही लीडर से जिहड़े बोल सच कहिंदे सी, चाहे ब्रह्मपुरा साहब से, ढींसा साहब से, सेकवां साहब से, उन्होंने माड़े लगन लग पे। सो ये नहीं है भी असी गल नहीं, गल पार्टी दे विच रखी पहला, बंदा एकोदम नहीं पार्टी छड्डी जाती होंगी, समां जब सारे जब बेबस हो गए उस तो बाद फिर पार्टी जी है तो पास हटना पे जी। ढींसा साहब पिछले दिन तुम कोटकपुरा भी गए जिते कापियां साड़ियां कहना, उस तो बाद एक वीडियो भी वायरल आता गा डेरा सच्चा सौदा के जोड़े प्रमुख से राम रहीम उन्होंने सामने तुम खड़े हो डेरे के तस्वीर की पुरानिया, देखो पुरानिया ने पुरानिया जब सारे जाते ज्यादा कहना भी हूँ दिन तस्वीर ने वो पुरानी तस्वीर ने पुरानिया उस समय बहुते जाते सी। मैं तो जिहड़ी है असी तो जाके अकाल तख्त साहब से माफ़ी भी मंगी है जाण दी भी असी माफ़ी मंगी है जाके जी भी असी जे उत्थे गए असी गलती सज़ा लाई है, असी सज़ा जिहड़ी सानू अकाल तख्त साहब ने सज़ा लाई सी वो असी भुगती है। कोई मैं नहीं सीगा, होर भी साढ़े एम एल ए सी जिहड़े इलैक्शन लड़े सी सारे ने जाके उत्थे जिहड़े पेश होए सी। सो असी गल ये है भी जे गलती कर दी गलती मननी भी चाहीदी है जी। तो यही तो असी उन्हां नूं कह रहे सी उदों पार्टी के जे होया तो उन गलती मन के सानू जिहड़ा है ये माफ़ी मंगनी चाहिए जी। जे पार्टी के अंदरली पॉलिटिक्स की गल करते हैं सरकार टाइम की अंदरली पॉलिटिक्स कि तुसी कह रहे हो भी सानू भी लारे लाए जाते जे तुहानू भी लारे लाए जाते तो आम लोगों तो पता नहीं की कुछ दिखाया अंदरली पॉलिटिक्स किवें सी। देखो अंदरली पॉलिटिक्स तो देखो हर सरकार के होंगे है लारे की लाए गए भी सानू ये कहा गया भी असी जिहड़ा जल्दी तो जल्दी दोषियों को सज़ा दिवावांगे तो जो नहीं होया तो मैं समझदा कांग्रेस सरकार भी उम्मीद कर रही है। इन्होंने तो चार साल हो गए इन्होंने भी कोई कदम चुके कोई दोषियों क्यों नहीं हो रही है, क्यों दोषी किहड़े दोषी ने किहड़े दोषियों के पिछे किहड़े लोग ने उन्हां दी शनाख्त होनी चाहिए है सज़ा मिलती यही लोग चाहते हैं यही असी चाहते सी होर तो कोई गल नहीं। सो यह चीज़ तो क्यों दोनों पार्टियां जिहड़ियां भज रही ने जो दस सकते हैं या कोई इन्वेस्टिगेशन के राही ये गल्लां सामने आ सकती हैं। कुंवर विजय प्रताप दीआं मुलाकातां सामने आउंदियां गईआं मीडिया के सामने आउंदे ने बड़े दोष लगते हैं परिवार के उत्ते, तुसीं मानदे हो भी बादल परिवार जोशी है। देखो मैं किसी नूं दोषी जिहड़ा करार देने वाला कोई नहीं है जी, या तो कोई इन्वेस्टिगेशन दोषी करार दे सकती है या लोग दोषी करार दे सकते हैं जी। इन्वेस्टिगेशन किसी सिटे नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही सवाल तो यही है ना, दोषी तो पता चलूगा जे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। समय इन्वेस्टिगेशन्स नूं सबोटाज किया गया हुण तक, तुसीं देखो दो कमिश्न हो गई जोरा सिंह कमिश्न रणजीत सिंह कमिश्न जी, दो तीन इन्वेस्टिगेशन सिट्स बैठ गई, सीबीआई ने अड इन्वेस्टिगेशन कर ली जी, पर गल है भी सिट्टा कितें नहीं तो जाके कोर्ट के फिर उ जिहड़ा हल हो जाता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर दिता जा रहा। यही बड़ा कारण है कि दोषी दोषियों की शनाख्ती दे विच ही तो सारी रिचना है सारी। असं ये कह रहे हैं भी दोषियों की शनाख्त करन दे विच सब तो बड़ी रिचण बादल परिवार तो कांग्रेस जिहड़ी है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिहड़े असल जिहड़े दोषियों ना उन्होंने कोई सज़ा मिलन दे विच भी उन्हें आइडेंटिफिकेशन दे विच भी यह अड़िका बन रहे। कैप्टन बादल क्या खिचड़ी ने, बिल्कुल बच्चे बच्चे नूं पता भी क्यों खिचड़ी ने, तो अज का नहीं लंबे समय का जिहड़ा है चल रहा है।
जी जे तुहाडी पार्टी की गल करते हैं, एक पिछले दिन ये भी गल आई सी भी आम आदमी पार्टी रलेवा हो रहा जां रल रहे हो, वो किदां? देखो बिल्कुल गलत गल है, रलेवे का कोई मतलब नहीं, ना ही कोई रलेवे की गल चली है। एक मीटिंग हुई सी जी, उहदे विच पंजाब दे सियासी हालात होरां बारे डिस्कशन हुई, भविख बारे गल हुई, तो कोई उहदे विच क्योंकि हजे एक पहली एक सरसरी मीटिंग सी, कोई ना ही उहदे विच कोई फैसले ले गए, उहदे बारे प्रेस ने मैनूं पुछिया सी, मैं कहा हाँ साडी मीटिंग हुई है तो असीं मैं समझदा पंजाब दे भले लई सारयां नूं इकट्ठे चलना चाहीदा, इन्नी गल हुई है कोई रलेवें दी। हाँ ये बयान हरपाल सिंह चीमा ने दिता सी, पर हरपाल सिंह चीमा तो उस मीटिंग का हिस्सा ही नहीं सी, मैनूं नहीं ये समझ आउंदी वी किवें उन्होंने इस बेस ते बयान दिता है। सो कोई ऐसी गल नहीं, हाँ ये हैगा भी जिवें मैं तुहानूं चौथे फ्रंट की गल की है, ये साडा मनना जरूर है भी सारयां नूं इकट्ठे हो के जिहड़ा है पंजाब दे विच बदल देना चाहिए। आने वाले दिनों च संभावनावां हैगियां जिवें तुहाडी पार्टी डेमोक्रेटिक ते टकसाली एक होण जा रहे ने, आने वाले दिनों च संभावनावां हैगियां आम आदमी पार्टी नाल रल के चलोंगे? देखो आम आदमी पार्टी है, होर भी पंजाब दीयां पार्टियां ने, बहुजन समाज पार्टी है, असी तो सारियां वास्ते ही यतन करांगे भी एक ब्रॉड फ्रंट बने, तो आम आदमी पार्टी ओपोजिशन च है इस समय पंजाब दे विच दूजे नंबर ते पार्टी है, सो उन्हां दा एक अहम रोल तो ही है, एज तो तुसीं जिहड़ा है वह नहीं कर सकते, पर जिहड़ी गल तुसीं स्टेटमेंट दे जिस संदर्भ च गल कर रहे हो तो हजे भविख दे विच किस तरीके च किस तरह होंदियां ने, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की करते हैं कि वह कांग्रेस के रेंदे ने, कांग्रेस को छड़दे ने, की हालात बन गए, की समीकरण बन गए, वह तो आने वाला समय तो सीगा, पर सबनू मैं मेरा मनना यह है भी जे जिहड़ियां बाकी फोर्सेस खिंडण की बजाय कट्ठिया होनी चाहीदियां ने तां ही जिहड़ा कुछ वधिया रिजल्ट आ सकदे। तुहाडा सिद्धू साहब नाल राबता होया? नहीं, मेरा डायरैक्टली कोई राबता नहीं होया। करना चाहोगे? हैगी दिल दे विच इच्छा वी राबता होवे? देखो मैं असी उन्हां दी इज्जत करदे आ जी, पर जिन्ना चिर वो आप फैसला नहीं लैणगे उस तो बाद ही कोई गल अगे तुरेगी, हजे तो वह कांग्रेस के ही ने, तो कांग्रेस नाल तां हजे कोई साडा गल करन दा या कोई मतलब ही नहीं है। जिहड़ा अकाली दल बादल दा बीजेपी नाल अलग होना गा, उहनूं किवें देखदे हो? देखो मजबूरी बन गई उन्हां दी, नहीं अज भी मेरा मनना यह है भी वह अंदर खाते उन्हां दी एक गल है, सिर्फ लोगों वास्ते वाडड़ होए ने, क्योंकि एक मजबूरी बन गई भी लोगों ने पंजाब दे विच ये हाल हो गया सी भी जे उन्होंने ना छड़ दिता पंजाब च लोगों ने वड़ नहीं सी देना उन्होंने। सो पहला तो वह हक च बोलते रहे कानूनों के, जब ऑर्डिनेंस बने उदों भी हक च सी, बाद च समर्थन किया, ये तो जब बिल पास होने से इन्ना प्रैशर पै गया कि उन्होंने कोले आपदी या तो उन्हां दी पार्टी खत्म हो जाती या फिर वह जिहड़ा है अस्तीफा देंदे, इक्को ही गल सीगी। सो मजबूरी बस जिहड़ा उन्हां नूं अस्तीफा देना पिया, उन्होंने कोई खुश हो के अस्तीफा नहीं दिता जी, तो मतलब दिलों उन्होंने शुरू तो इन्हां बिलों का समर्थन किया। जे असीं फाइनांस की गल करते हैं, खजाना विभाग की गल करते हैं, तुहाडे कोले भी रहा गा हुण मनप्रीत सिंह बादल ने दूजी वारी बने ने खजाना मंत्री, पहला अकाली दल सरकार दे विच भी सीगे, तुहानू की लगता लोगों दस्या जाता भी खजाना खाली है, वाकई दे विच खजाना खाली हुंदा दिखाया जाता गा, हकीकत? देखो पंजाब की आर्थिक हालात कोई बड़े वधिया नहीं, इस कोई दो राय नहीं है जी, क्योंकि जिहड़ा ये हालात तो पहला भी जदी जिहड़ी है प्रेजिडेंट रूल रहा पंजाब दे विच 84 तो लैके 92 तक, 85 तो 87 तो लैके 92 तक, उदों बड़े करजे लैके पंजाब सिर थोप दिते गए जी, तो उहदा नतीजा की होया, पंजाब एक करजे दे साइकल विच फस गया कि करजे मोड़न वास्ते करजे लई गया जी, जी उहदे ते व्याज पैंदा गया जी, सो करजा वधदा गया जी, तो उस च अज भी पंजाब फसिया, पर हालात दिन पर दिन माड़े हो रहे हैं, साडे वेले भी माड़े सी, हुण उस तो माड़े हो गए, उहदा कारण चाहे GST लागू होना होवे, क्योंकि GST दे विच पंजाब दा जिहड़ा बेस सीगा जी, असीं फूड ग्रेन्स ते भी काफ़ी टैक्स इकट्ठा करदे असीं, क्योंकि खेती पदार्थ सूबा है, वो टैक्स खत्म हो गया जी, ते उहदे नाल सानूं
ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ 5% ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ GST ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੋ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਲੋ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 3,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ 3,00,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ GST ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 14% ਗਰੋਥ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 14% ਦੀ ਵਾਧਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਮਦਨ ਘਟੇ ਜਾਂ ਵਧੇ। ਹੁਣ ਵੱਧ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ 15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। 2022 'ਚ ਪੈਸਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਗਈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 2022 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਮਾੜੇ ਰਹੇ, ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਹੋਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਜੇ। ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਜੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤ ਨੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਵੱਡਾ ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਚੜਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ 20 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰ ਆਪਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
उन्होंने काम करना सुखाला बनाई, उन्होंने तंग ना करे, उन्होंने पुलिस तंग ना करे, उन्होंने महकमे तंग ना कर, तो अपने आप वो साढ़े सूबे जाऊंगे इंडस्ट्री लाने। जोड़ा सबसिडियां वाला चलन चलेगा, अकालिया भी बड़े ब्लेम लगते भी इन्होंने चलाता, गरीबों लिए सारिया सहूलतं आदियाँ, पर जो असी ग्राउंड लैवल पर जाने पिंड जाने अकाली दल से बड़े बड़े आरोप लगते भी जत्थेदार तक सगन स्कीम लै गए, नीले कार्ड बना गए, कणक फ्री की घरों जाती है, बड़ा कुछ हों गा, वो फिर जो सिस्टम है वह पैमाना है जो सैट किमें होगा। वो तो देखो मैं गल कहना कि सानू जेड़े यह जे कोई होंगे उन्होंने खिलाफ सख्त कार्रवाई करे सरकार, ताकि अगे तो जोड़ा जोड़े लोग हकदार नहीं जो लेंगे ने उन्होंने खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए जी, तो ताकि सरकार के कानून का कोई ना कोई डर होना चाहिए लोगों के मन में। यह सुभाविक है भी हुण जिहड़ी सियासत है इन्नी थले लैवल तक घर कर गई कि हुणे हो जांदा भी पिंडां दे विच जिहड़ी पार्टी दी सरकार है दूजे पार्टी वाला चाहे कोई गरीब है चाहे जिहने किसे नूं सरपंची च भी वोट नहीं पाई तां उहदे खिलाफ़ सारा कुछ उहनूं जी सहूलत भी नहीं देनी, उहदा सारे कट दिओ, उहदे सरपंच दस्तखत भी नहीं करदा। सो इह जिहड़ियां चीज़ां ने इह मैं समझदा गलत ने, तो इन्हां दे विच हौली हौली करके सुधार लिआउण दी लोड़ है। एक पारदर्शी सिस्टम जिहड़ा आवे, जिहड़ा कोई अपलाई करदा सीधी ऑटोमैटिकली, अजकल तो सारी थोड़ी आधार कार्ड बेस्ड सारा कुछ हो गया जी, थोड़ी एज थोड़ी सब कुछ आधार कार्ड बेस्ड है जी। सो तुसीं उहदे एप्लीकेशन देवे उहदे तुसीं जिहड़ी है उस बेस ते तुसीं उहनूं सहूलतां मिलन, क्यों हर चीज़ लई जी हुण तुसीं सरपंच तों दस्तखत कराउणे आ, फलाणे तों दस्तखत कराउणे आ, जे किते कोई शक है उत्थे जाके कराओ, नहीं हर बंदे तो क्यों लोड़ है, सैल्फ टैसटिड होने चाहिए ने, जे बंदा गलत करता है तो खुद दोषी होएगा जी। सैल्फ टैसटिड जी है बंदे की आपकी की वह बंदे की आपकी जिम्मेवारी घट है सरपंच नालों या MLA नालों, जे आप आपकी सैल्फ टैसट करता है चार बार सोचूगा भी जे मैं गलत अर्जी दी तो मेरे ते कार्रवाई होगी। सो उस जिहड़ा है सिस्टम चेंजेस लिआउण दी लोड़ है। जे ढींडसा साहब जाते जाते बरनाला संगरूर की गल करते हैं, एलीगेशन लग्या सी सुखबीर बादल वालों भी बरनाला संगरूर ते ढींडसियां दा होल्ड रहा पर ग्राउंड लैवल ते पार्टी खत्म करती है इत्थों दोनों जिलों के विचों, गल जो कितने सारे पंजाब दे विच जी सारे पंजाब च आईआं नहीं सीटां, कई जिलों एक भी सीट नहीं आई, वह भी ढींडसे सी उत्थे जी। ये तो पार्टी दी नीतियां नाल लोग जुड़ते हैं, जे पार्टी दी सीनियर लीडरशिप ने माड़ी नीतियां बनाईयां माड़े काम किए तो उहदे करके श्रोमणी अकाली दल अज हाशिए ते आई है। तुसीं पिंडां च पुछो ना लोकां नूं कि क्यों लोग अकाली दल तों परां होए ने, क्यों अकाली दल तों बादल दल तों पिछे होए ने लोग, क्योंकि पार्टी दी जो कोर आइडियोलॉजी सी विचारधारा सी उही छड़ती। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਲਾਤੀ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਦ 370 ਧਾਰਾ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਵੀ 370 ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਵਾਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਅਜਰਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਕੋਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਤੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਰਾਬਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੱਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ
इस दे नाल नाल मेरे मैंने मैं मेरी तो यह सोच है भी सानू पार्टियां दे विचार साडी तां कदे कोई किसे कांग्रेसी नाल भी नहीं माड़ी, आम आदमी पार्टी वाले नाल किसे नाल माड़ी नहीं, साडे तां विचारक मतभेद हो सकते हैं पर निजी साड़ी किसी नाल कोई लड़ाई नहीं है जी। तो वह विचार मतभेदा की लड़ाई मैं समझा सियासत में रखनी चाहिए है, जी अज असी पॉजिटिव राजनीति करनी चाहिए है, नाल नाल आपदे चलो विरोधी दे या जिहड़ा थोड़े ऑपोजिशन है उन्होंने नुक्स तो आप गणाउणे ही होंदे ने, पर नाल मैं समझा कि ना कि एक एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स भी अगे असी की करना चाहते हैं की असी करांगे उस चीज़ नूं लैके जिहड़ा चलना चाहिए जी। जाते जाते मैं लास्ट प्रश्न पूछूंगा, ढींडसा परिवार का की एजेंडा रहन वाला गा 2022? देखो मैं साडी इको एजेंडा है जी जी, पंजाब दे विच चंगे लोग अगे आउण, चंगी अगवाई होवे, ते जिहड़ा पंजाब दा कठिन समा आउण वाला है आर्थिक तौर पर खास तौर पर आउंदे अगले 5 सालां च वो तां ही लंघ सकदे आ जे एक सुहिरद लीडरशिप होएगी पंजाब दी वागडोर ते, ते वो लोगों ने फैसला करना है। मैं तो लोगों को यही अपील करूँगा, कोई नहीं असी सानू नहीं पाउणी किसे नहीं पाउणी, पर इन्ना जरूर देखण कि अगले 5 साल पंजाब दे बहुत बहुत जिहड़े ने मेरा मनना है भी क्रूशल ने, ते इत्थे पंजाब दी वागडोर किसे सुहिरद आगू दे हत्थ छूणी चाहीदी है, यही मैं अपील करांगा। ते ओ फैसला हुण लोग देखदे आ भी किहनू सुहिरद समझदे आ, वह फैसला लोगों ने करना जी, यही मैं मेरी तो यही बेनती है जी। ढींडसा साहब तुसीं समां दित्ता, तुहाडा धन्नवाद जी। धन्यवाद जी रतनदीप जी, थैंक यू जी। सो ए सी परमिंदर सिंह ढींडसा, आने वाले दिनों के मिलावांगे तुहानू किसी होर राजनीतिक शख्सियत दे नाल। देखते रहो RMB टैलीविजन, धन्यवाद जी।